प्राचीन समय की बात है। शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। एक किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता? बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है। डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ। अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो? ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ? अगला शनिवार को। इसके साथ कल ही अमावस्या है, चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का प्रवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ, शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगा ना दो चार दिन? जी हाँ, दो चार दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस तीन तल्ला घर का मालिक है। कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले थे क्या, कोई खरीदने वाला मिला है? भुतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ? वैसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था, उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए, लगता है मर कर के भी वह पगलामी करता है। जो भी हो थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत। भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए वो कौन आ रहा है। सही बात है, तो इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रख कर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहा नाम मिट गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? राखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं, अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को
वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुराकर बहुत महान बनता है।